To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, रिग्रेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन जो इनिशियल इसकी कुछ चीज़ें हैं वो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले कि रिग्रेशन है क्या, ये कौन सी टेक्निक है। देखिए, इसके लिए हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस किया है कोवेरियंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड कॉजेशन। तो वहाँ हमने ये बात डिस्कस की कि दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। शॉर्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस टेक्निक और दूसरी होती है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस टेक्निक, डिपेंडेंस टेक्निक में कोई एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल पे देखा जा रहा होता है। तो एक डिपेंडेंट हो जाएगा जिसके ऊपर इफेक्ट चेक कर रहे हैं, और जिसका चेक कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो डिपेंडेंस टेक्निक है। लेकिन इंटरडिपेंडेंस क्या है कि आपस में कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स का आपस में को मूवमेंट को चेक कर रहा है लेकिन कोई डिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें, रेग्रेशन आपके पास डिपेंडेंस टेक्निक में काउंट होता है। क्यों काउंट होता है? क्योंकि रेग्रेशन में हम किसी वेरिएबल का इफेक्ट, किसी वेरिएबल का रिलेशनशिप दूसरे वेरिएबल के साथ देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, और इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो मेरे पास निकलेगा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x। अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास x वेरिएबल है और ये हमारे पास y वेरिएबल है। लेफ्ट में जब एक वेरिएबल हो आपके पास तो ये जो वेरिएबल है ये आपके पास कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो सिंपल रिग्रेशन, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन इट मींस रिग्रेशन विल बी कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन, और अगर ग्रेटर देन वन, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो आप उसको कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। तो आई रिपीट, रिग्रेशन टेक्निक डिपेंडेंस टेक्निक है जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक हो तो आप उसको कहेंगे सिंपल रिग्रेशन, और अगर एक से ज़्यादा हो तो आप उसको कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। अब जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरह के मॉडल हम देख सकते हैं। इसमें हमें मैथमेटिकल मॉडल भी मिलते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, और इसी में हमें मिलेंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल। अभी हम इन दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे। देखिए, जैसे लेट्स सपोज अभी हमने एक इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये डिपेंडेंट यहाँ पर वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल y। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू जीरो रखें, इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ जीरो, ये जीरो, y बचेगा 10। तो x अगर जीरो है तो y आ गया 10 आपके पास, x अगर वन आ गया तो y इसके हिसाब से 12 हो जाएगा, यानी x अगर वन है तो y 12। इसी तरह x अगर टू है तो y आपके पास आ जाएगा 14, 2y 14। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर उन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ ग्राफ में ले आऊँ तो इस तरीके से मेरे पास एक लाइन बन जाएगी, और आप देख सकते हैं हर पॉइंट ऑन दी लाइन है, जो पॉइंट इस इक्वेशन से निकल रहा है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ऐसी कंडीशन है कि इससे ऊपर वैल्यू आ जाए या इससे नीचे वैल्यू आ जाए, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अगर x यहाँ पर 1 रखूँगा तो y 12 के अलावा कुछ आए, नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर इक्वेशन यही है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि x की वैल्यू 1 रखें तो y अदर देन 12 आ जाए, ये 12 ही आएगा। तो इसका मतलब सर्टेनिटी मौजूद है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, ये किन चीज़ों में होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे वाटर का फॉर्मूला पूछें तो H2O
हाइड्रोजन टू है, ऑक्सीजन एक है, अगर मैं 100 हाइड्रोजन लूँ और 50 ऑक्सीजन लूँ तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? H2O 2:1 का रेशियो है, इसका मतलब 50 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये बात 100% कंफर्म है कि अगर इस रेशियो से ये चीज़ें रिएक्ट करेंगे तो 50 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम किसी ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, किसी सोशल बिहेवियर की बात करें, तो सोशल और ह्यूमन बिहेवियर इतना सर्टेन नहीं होता, वो अनसर्टेन होता है। कभी कभार सिचुएशन सारी वही होती हैं, एक्ट बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जो रोज़ाना रात के खाने के बाद वॉक करने के लिए जाता है, फ्रेंड को भी साथ लेता है, चला जाता है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीना, उसके बाद अब यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में भी वॉक पर जाएगा, लेकिन अगले दो तीन दिन वॉक पे नहीं गया। जब उससे पूछा गया कि भाई आप वॉक पे क्यों नहीं आ रहे, तो उसने एक सेंटेंस कहा, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसने कहा यार मूड नहीं था या दिल नहीं चाह रहा था। ये जो मूड और दिल नहीं चाहने की कैफियत है, ये जो अनसर्टेनिटी पैदा करती है ना, ये किसी भी रोबोटिक या नेचुरल बिहेवियर में नहीं मिलेगी, ये ह्यूमन बिहेवियर में ही मिलेगी। हाँ, अगर नेचुरल बिहेवियर में आपको अनसर्टेनिटी मिलती है तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वो नेचुरल बिहेवियर अपनी जगह नेचुरल है, वो फिक्स है, वो वैसा ही होना है। हमारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या टेक्नोलॉजी की कमी है जिसकी वजह से हम उसको वैसा प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जो नेचुरल चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं वो इस वजह से होती हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कि नेचुरल चीज़ें वो तो चलेंगी अपनी जगह पे, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में तमाम चीज़ें रिमेंस कांस्टेंट भी हो जाएं, जिस तरह यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट है तो ये तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन 100% है तो आउटपुट भी 100% है। लेकिन जब ह्यूमन और सोशल बिहेवियर की बात करेंगे तो ह्यूमन और सोशल बिहेवियर में चीज़ें इतनी सर्टेन नहीं होती, वो अनसर्टेन होती हैं, उनका एक्ट अनसर्टेन होता है। तो अगर ह्यूमन और सोशल बिहेवियर का रिलेशनशिप को अगर हम ड्रॉ करना चाहें उस रिलेशनशिप को, तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, जस्ट लाइक अ स्कैटर प्लॉट, अनसर्टेन। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये तो हो गया नेचुरल बिहेवियर, इंफॉर्मेशन 100% है तो रिलेशनशिप 100% नजर आएगा। दूसरी तरफ ह्यूमन और सोशल की सोशल बिहेवियर की बात करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी नजर आएगी, और ज्योग्राफिकल हम उसको देखेंगे तो वो स्कैटर प्लॉट नजर आएगा। ओके, अगर हम इसमें कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी चाहें जो इस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट करना कर सके, तो हम इसके लिए एक ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसी होती है कि मैक्सिमम पॉइंट जिस डायरेक्शन में मिल रहे हो ना, उन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट्स, तो वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी, और इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन, अच्छा, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस इसी तरफ पॉइंट्स के मिलने के हैं, अगर मैं यूं बनाने की कोशिश करूं तो कम पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसी वजह से ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दूँ, y इज इक्वल टू 10 + 2x, तो ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी या स्कैटर प्लॉट को? ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ये स्कैटर प्लॉट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी इसको, स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, यहाँ पर भी जो ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर भी ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर इक्वेशन है, जबकि यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आपकी इक्वेशन है। आपकी इक्वेशन तो सिर्फ उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि उन कुछ पॉइंट से मिलके बना है जो कि ऑन दी लाइन है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट ऑन दी लाइन नहीं है। इसका मतलब है ये लाइन, ये इक्वेशन इस लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही है, 100% स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमारे इस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट करे, ना कि स्ट्रेट लाइन को। अच्छा, अब एक चीज जरा देख लें, ग्राफिकल अगर हम कुछ देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मैं चाहता हूँ मुझे इस एक्स पर वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं ग्राफिकल कैसे निकालूंगा? इस एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, जहाँ ये टकराएगा इस लाइन से वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज़ इक्वेशन में होती है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक्स की वैल्यू रखी और वाई की वैल्यू ये आ गई, तो
तो ऐसे ग्राफिकल वैल्यू निकलेगी, ऐसे इक्वेशन से वैल्यू निकलेगी। बिल्कुल इस तरीके से, इसका मतलब जब इस इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने x की ये वाली वैल्यू रखी, तो y की ये वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो लाइन के अबव या बिलो होगा, क्योंकि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट ही इस लाइन को कर रही है। ओके, तो याद रखिएगा कोई भी पॉइंट जो इस इक्वेशन के थ्रू निकले या इस लाइन के थ्रू निकले, वो हम कहेंगे किसको, क्या एस्टिमेटेड वैल्यू। वो वाई की क्या वैल्यू कहलाएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाई कैप से। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑन दी लाइन स्कैटर प्लॉट वाले भी हैं, तो अगर हम उसी को निकाल लेंगे तो वही एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, और जो बाकी सारी वैल्यूज हैं उन पॉइंट्स को मिला के वो हमारे पास कहलाएंगी क्या, एक्चुअल वैल्यू, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाई से। तो देखें हुआ क्या कि आपके पास जो डॉटेड हैं वो एक्चुअल वैल्यूज हैं, और जो वैल्यू भी लाइन से निकलेगी वो एस्टिमेटेड कहलाएगी। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि ऑन दी लाइन है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर एक्चुअल और एस्टिमेटेड कैसा है, सेम है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पॉइंट लें, जैसे यहां पर हमने एस्टिमेट एक्स ये रखा, वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने कह दिया वाई कैप, जबकि इस पॉइंट पर जो एक्चुअल वैल्यू है वाई की वो ये रही, तो उसका मतलब यहां पे आ गया डिफरेंस, एक्चुअल ज्यादा एस्टिमेटेड कम। तो जब भी एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस लेंगे, वाई माइनस वाई कैप, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, जो डिफरेंस आप इसको लेंगे, दिस इज कॉल्ड एरर। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, वो डिफरेंस आपके पास क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। अच्छा, ये एरर अगर एस्टिमेटेड ज्यादा है और एक्चुअल ज्यादा है एस्टिमेटेड से, तो ये प्लस आंसर आएगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड ज्यादा एक्चुअल कम, डिफरेंस ये आ गया, तो इसका मतलब है एरर का फॉर्मूला यही रहेगा, आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे एक्चुअल पॉइंट्स थे, हमने सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया इस केस को समझने के लिए, कि अगर मैं ये वाली एक्स की वैल्यू लूँ तो मेरे पास एस्टिमेटेड वाई कितना आएगा, ये मेरे पास y कैप आ जाएगा एस्टिमेटेड y, ये वैल्यू वही होगी जो इस इक्वेशन से निकलेगी। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं इस्तेमाल कर कर x पे y निकालना चाहूँ, तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा देगा। लेकिन हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट करती हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ना करती हो, तो उस इक्वेशन को, और यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के पॉइंट तक पहुँच रही है, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं पहुँच रही, तो हमें एक्चुअल पॉइंट तक पहुँचने वाली इक्वेशन चाहिए। तो आप देखें जरा गौर से कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान, यानी ये एस्टिमेटेड है, ये है एक्चुअल पॉइंट, इनके दरमियान क्या मौजूद है, डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर। ये हम देख चुके हैं अभी, डिफरेंस कहलाता है एरर। तो हुआ क्या कि मैंने ये वाला एक्स इस इक्वेशन में रखा, इस हिस्से से मैं यहां तक पहुंच गया, अब जितना गैप बचा है एक्चुअल को एस्टिमेटेड का, वो सारा का सारा किस में काउंट हो जाएगा, एरर में। तो हम अगर इसको यहां ऐड कर दें, एरर, तो जैसे ही हमने इस एरर को यहां ऐड किया, तो अब देखें एक्स यहां रखूंगा, इतना हिस्सा यहां तक पहुंचाएगा, और एरर ऐड कर दूंगा तो वो एक्चुअल पॉइंट तक आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एरर को इक्वेशन में ऐड करने के बाद, अब जो इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, ये इक्वेशन उस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि सिर्फ किसको, स्ट्रेट लाइन को। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर जो मॉडल हमने डिस्कस किया, ये बिल्कुल स्ट्रेट वैल्यूज़ के मॉडल था, इसमें कोई एरर टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि सर्टेनिटी थी, और जहाँ पर अनसर्टेनिटी है वहाँ पर हमने एरर को एडजस्ट करने के बाद एक ऐसा मॉडल लेके आए जो स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट करे, ना कि स्ट्रेट लाइन को। तो याद रखिएगा, ऐसा मॉडल जिसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती, एरर एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहलाता है मैथमेटिकल मॉडल। और ऐसा मॉडल जिसमें एरर एग्जिस्ट करता है लाइक दिस, ये कहलाता है स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो आई होप ये स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल का डिफरेंस आपकी समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।